लास्ट पीरियड में अपन ने प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस अगर होगा उसके प्रॉब्लम देखे थे। फिर प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस इन कंपोजिट फॉर्म था उसका एक प्रॉब्लम देखा था। एक और प्रॉब्लम ऐसा हम सॉल्व करके देख लेते हैं, जैसे ई टू द पावर सपोज 2 to the power x square इंटू साइन ऑफ 8x इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैंने ये प्रॉब्लम कंसीडर किया तो पहले स्टेप में मैं डेफिनेटली इसको वाई कंसीडर करने वाला हूँ। सो वाई इक्वल टू 2 to the power x square इंटू साइन ऑफ 8x इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर अगेन तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं। पहला है 2 to the power x square, ये मेरे लिए यू हो गया। साइन ऑफ 8x ये हमारे लिए वी हो गया, और कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमारे लिए डब्ल्यू हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन का अगर मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, पहले मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये दो टर्म एज इट इज़, यानी साइन ऑफ 8x इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर और इंटू आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 to the power x square प्लस। फिर अब ये टर्म का डेरिवेटिव लूँगा तो ये दो टर्म पहले एज इट इज 2 to the power x square इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 8x प्लस। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये दो टर्म पहले एज इट इज 2 to the power x square इंटू साइन ऑफ 8x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो ये पहले तो ये दो टर्म एज इट इज, सो इट इज साइन ऑफ 8x इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर ये 2 to the power x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x के जगह जो टर्म है वो है एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए अगर मैंने इसे x कंसिडर कर लिया तो ये 2 to the power x हो जाएगा, और 2 to the power x का डेरिवेटिव तुम्हें पता है इट इज़ 2 to the power x यानी 2 to the power x square इंटू log 2 इंटू ये जो कंपोजिट पार्ट है बाद में उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है वो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ये स्टेप बराबर ध्यान में रखने का है तुमको, नहीं तो फिर जब डाउट सेशन आएगा तो फिर पूछोगे कि ये 2x कैसे आया है। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिया। ये दो टर्म एज इट इज 2 to the power x square इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, एक्स के जगह 8x है, इसे एक्स कंसिडर किया तो ये साइन एक्स हो गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन 8x का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ 8x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 8x मुझे निकालना है। तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 8x निकालता हूँ तो 8 कॉन्स्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सो 8 into 1 इसका आंसर कितना आता है 8, इसीलिए इंटू आ जाएगा 8 प्लस। अब ये दो टर्म एज इट इज वो है 2 to the power x square इंटू साइन ऑफ 8x इंटू, अब इसको देखते हैं, अगर ये कॉट ऑफ एक्स होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर है, मतलब ये मेरे लिए एक्स हो गया, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, वो लिखा है यहाँ पे 2x। ये 2x यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, ये 8 यानी ये 8x का डेरिवेटिव है, और यहाँ पर ये जो 2x आया है ये फिर से इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, वो ध्यान में रखने का है तुमको। उसके बाद में अब टर्म्स को प्रॉपरली अरेंज कर लो, अलजेब्रिक फंक्शन पहले लिखते हैं, सो इट इज 2x इंटू 2 to the power x square इंटू log 2 इंटू साइन ऑफ 8x इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पहली टर्म होगी प्लस। उसके बाद ये पूरी टर्म, इसमें 8 कॉन्स्टेंट है इंटू 2 to the power x square इंटू कॉस ऑफ 8x
इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सेकंड टर्म हो गई, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2x पहले अलजेब्रिक फंक्शन है वो पहले लिखा जाएगा, इंटू 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 8x इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड टर्म है, और यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड टर्म है। इन तीनों टर्म में पहले तो 2, यहाँ पर भी 2 आता है, यहाँ भी 2 है, मतलब 2 कॉमन आता है। यहाँ x है बट यहाँ नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं आता है। साथ में 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर भी तीनों जगह है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर, और वो कॉमन फैक्टर लिखने लेने के बाद में बची हुई टर्म्स को ब्रैकेट में लिखो तो यह आएगा x इंटू लॉग 2 इंटू साइन ऑफ 8x इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 4, ये कॉमन आ गया है, इंटू कॉस ऑफ 8x इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से 2 कॉमन आ गया और ये 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो माइनस यहाँ बचेगा x इंटू साइन ऑफ 8x इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में तीन फंक्शंस हो गए, प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर तीन फंक्शंस हो गए तो उसका डेरिवेटिव हम इस तरह से ले सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन को बराबर समझने का है, और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने हर जगह वहाँ डायरेक्ट लिया है, ये तुमको समझने की ज़रूरत है। एक बार प्रॉब्लम को अच्छे से देखना, नहीं समझ आए तो दोबारा देखना, एक दो बार देखने के बाद वो डेफिनेटली समझ में आएगा, नहीं तो बस सर वो कैसा आया वो कैसा आया, फिर डिफ़िकल्टी सेशन में वही पूछने लग जाओगे। तो इसलिए ध्यान रखो, मैंने जो स्टेप्स बताई उसको प्रॉपरली ध्यान में रखने का है। अब ऐसे दो प्रॉब्लम तुमको दे रहा हूँ मैं, सॉल्व करके देखना है उसको। तो ये दो प्रॉब्लम, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस विच आर सपोज टू बी द कंपोजिट वन, तो इस इनका डेरिवेटिव तुमको बिल्कुल डेफिनेटली लेके देखने का ही है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम देखने जा रहे हैं वो है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये प्रॉब्लम भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट टाइप का ही प्रॉब्लम है, तो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है तो इम्पॉर्टेंट जरूर मार्क करना। पहले स्टेप में y कंसीडर कर लिया इसको, ठीक। अब यहाँ अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुमको e टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो निगेटिव पावर है, पहले मैं उसको सॉल्व करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ, तो इट इज ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2x और अपॉन में आएगा ई टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर 2x। नेक्स्ट स्टेप में इसके अपॉन में 1 है, इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, तो 1 इंटू ई टू द पावर 2x यहाँ आएगा ई टू द पावर 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर 2x इज नथिंग बट ई टू द पावर 2x द होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1,
ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी इसके अपॉन में वन है, तो यहाँ आएगा अपॉन में e टू द पावर 2x, और इधर में आएगा e टू द पावर 2x द होल स्क्वायर एंड प्लस आ जाएगा वन। ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो रही है। अब ऊपर की टर्म हो जाएगी e टू द पावर 4x माइनस वन, और नीचे में आएगा e टू द पावर 4x प्लस वन। सो दिस इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y। और अब आगे के स्टेप में y की वैल्यू मिलने के बाद आगे मुझे लिखने का है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर मुझे मिलेगा dy वाई बाई डी एक्स, और क्योंकि यहाँ पर ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे डेरिवेटिव ऑफ कोशंट अप्लाई करना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव ऑफ कोशंट का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। फार्मूला है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और अपॉन में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो अकॉर्डिंगली फार्मूला डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी आएगा e टू द पावर 4x प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर इज e टू द पावर 4x माइनस वन माइनस न्यूमरेटर e टू द पावर 4x माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज e टू द पावर 4x प्लस वन, और अपॉन में आएगा e टू द पावर 4x प्लस वन द होल स्क्वायर, क्योंकि अपॉन में आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद में ये फर्स्ट ब्रैकेट की जो टर्म है उसको मैं एज इट इज लिखूंगा, इट इज e टू द पावर 4x प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये दो टर्म है और दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो पहले डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 4x लिया जाएगा। इसको x कंसीडर कर लो, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो e टू द पावर 4x का डेरिवेटिव आएगा e टू द पावर 4x इंटू, ये कंपोजिट पार्ट है तो 4x का डेरिवेटिव आ गया 4। ये 4 कहाँ से आया वो ध्यान में रखने का है, e टू द पावर 4x का डेरिवेटिव e टू द पावर 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x कितना आ गया 4, माइनस 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। उसके बाद ये टर्म माइनस e टू द पावर 4x माइनस 1 इंटू, अब d बाई डी एक्स ऑफ अगेन e टू द पावर 4x अभी लिया था, e टू द पावर 4x का डेरिवेटिव e टू द पावर 4x इंटू 4, तो इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा e टू द पावर 4x इंटू 4 प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, और अपॉन में आ रहा है e टू द पावर 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 4 इंटू e टू द पावर 4x है, यहाँ भी 4 इंटू e टू द पावर 4x है, देख लो अच्छे से 4 इंटू e टू द पावर 4x इंटू ये ब्रैकेट, यहाँ भी 4 इंटू e टू द पावर 4x इंटू ये ब्रैकेट। इसका मतलब न्यूमरेटर से मैं 4 इंटू e टू द पावर 4x कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा e टू द पावर 4x प्लस 1 माइनस दूसरे ब्रैकेट में बचेगा e टू द पावर 4x माइनस 1, एंड अपॉन में आ रहा है e टू द पावर 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 4 इंटू e टू द पावर 4x, ये e टू द पावर 4x प्लस 1 माइनस e टू द पावर 4x, एंड माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस 1, एंड अपॉन में आ रहा है e टू द पावर 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। एंड लास्ट स्टेप में देखो, अब ये टर्म इसके साथ कट होगी, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 इंटू 4 हो गया 8 इंटू e टू द पावर 4x, और अपॉन में आ रहा है e टू द पावर 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये टर्म का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। इससे मिलता जुलता एग्जैक्ट प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम या दो प्रॉब्लम मैं तुमको देने वाला हूँ, ठीक। तो ये प्रॉब्लम में हमने किया क्या है, सबसे पहले ये नेगेटिव पावर जो दिखाई दे रहे हैं दोनों जगह, उसको अपॉन में लेके गए, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लिया, फिर डिनोमिनेटर इक्वल किया, ये मिल गया ये स्टेप, और यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया तो ये स्टेप मिल गया, दोनों के ये टर्म कैंसिल हो गई। फिर e टू द पावर 2x होल स्क्वायर ये हो जाएगा e टू द पावर 4x माइनस 1,
और इधर आएगा e टू द पावर 4x प्लस 1। अब यहाँ डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट अप्लाई करके आगे सॉल्व किया है। ठीक, तो ऐसे ही टाइप का प्रॉब्लम तुमको दिया जाएगा जो कि तुमको डेफिनेटली आना ही चाहिए। बिल्कुल स्लाइट चेंज कर रहा हूँ प्रॉब्लम में, देखो आई विल राइट दिस एज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। 2x को मैंने x से रिप्लेस किया है, बराबर उसका डेरिवेटिव प्रॉपरली लेना है, वो ध्यान में रखना है, केयरफुली और करेक्ट डेरिवेटिव लेना है। इसी टाइप का हम एक और प्रॉब्लम यहाँ लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है इसलिए, e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर माइनस 3x अपॉन e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर माइनस 3x, ट्राई करके देख सकते हो। तो ये दो प्रॉब्लम होमवर्क समझ के सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं, देखो e टू द पावर टेन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू e टू द पावर एक्स। प्रॉब्लम का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, डेफिनेटली पहले स्टेप में इसको y कंसीडर करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर मिलेगा dy वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में लिखता हूँ e टू द पावर टेन एक्स इंटू साइन ऑफ x इंटू e टू द पावर x। अब यहाँ हमें जिन टर्म्स का डेरिवेटिव लेना है उसमें की पहली टर्म है e टू द पावर टेन एक्स इंटू दूसरी टर्म है साइन ऑफ x इंटू e टू द पावर x, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव लेने के लिए डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट यानी फर्स्ट फंक्शन इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इनटू ई टू द पावर एक्स, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। उसके बाद ये टर्म एज इट इज e टू द पावर टेन एक्स को मैंने एज इट इज लिखा इनटू, अगर ये साइन x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x के जगह ये टर्म ये कंपोजिट पार्ट हो गया, इसको x कंसीडर किए तो ये साइन x हो गया, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो साइन ऑफ x इनटू e टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ x इनटू e टू द पावर x इनटू, यहाँ पर मुझे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दोनों टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो मुझे इस पर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट फिर अप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये साइन ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स एज इट इज। अब अगर ये ई टू द पावर एक्स होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, एक्स के जगह टेन एक्स है तो ई टू द पावर टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा ई टू द पावर टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, एक ही फंक्शन है तो टेन एक्स का डेरिवेटिव हमको पता है, वो लिख लेने का सेक्स स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये टर्म का हम पूरी तरह से डेरिवेटिव ले चुके हैं जबकि इसका डेरिवेटिव अब भी बाकी है, तो अब आगे e टू द पावर टेन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू e टू द पावर एक्स, और यहाँ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी ई टू द पावर x प्लस सेकंड फंक्शन यानी ई टू द पावर x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x, और इसको अरेंज कर लो, प्लस ये हो जाएगा साइन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर टेन x इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ x। आगे इसका डेरिवेटिव ले लो तो अब मुझे मिलता है e टू द पावर टेन x इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू
एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इन टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा वन प्लस ये आगे की टर्म साइन ऑफ एक्स इन टू ई टू द पावर एक्स इन टू ई टू द पावर टेन एक्स इन टू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब लास्ट स्टेप में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये दोनों इसमें से e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल लिया e टू द पावर x, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वन, उसको पहले लिख लिया, इन टू ये टर्म एज इट इज e टू द पावर टेन x इन टू कॉस ऑफ x इन टू e टू द पावर x प्लस रिमेनिंग टर्म इज साइन ऑफ x इन टू e टू द पावर x इन टू e टू द पावर टेन x इन टू सिक्स स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से e टू द पावर टेन एक्स इन टू साइन ऑफ एक्स इन टू ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये सारे ही प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैं छोटी छोटी बातें तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसकी तरफ तुमको ध्यान देना है और केयरफुली ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स तुमको करके देखने के हैं। समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देखना, क्योंकि वीडियो तुम्हारे पास में रहेगा, तो नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार दो बार अच्छे से उसको देखो तो तुमको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा वो। और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है तो आमने सामने आके तो पढ़ा नहीं सकते, तो इसीलिए तुमको उतना एडजस्टमेंट करना ही होगा, क्योंकि डेरिवेटिव लेसन कंसेप्चुअल लेसन है और कंसेप्ट सारे समझ में आ गए तो ही फिर तुम ये प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब ऐसे टाइप के एक दो प्रॉब्लम मैं तुमको देना चाहता हूँ, वो तुमको सॉल्व करके देखने का है। ये दो प्रॉब्लम उसी कैटेगरी के हैं, ये दो प्रॉब्लम्स तुमको सॉल्व करके देखने होंगे। और जो जो पार्ट मैं तुमको सॉल्व करने दे रहा हूँ प्रीवियस पोर्शन से रिलेटेड ही होता है, तो तुमको वो सॉल्व करते आना ही चाहिए। प्रैक्टिस करके देखो, प्रॉपरली प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली तुमको उसके आंसर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तुमको पता है क्या होने वाला है तुम्हारा। डाउट सेशन में एक लिमिट तक अपन सॉल्व कर सकते हैं, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम तो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करके देखने के हैं, सो प्लीज़ डू इट वेरी सीरियसली।